नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कोरोना पॉजिटिव का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज कुल 11 लोगों को रोहतक लैब में जांच के लिए भेजे गए। सभी 11 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। वहीं फतेहाबाद के डिप्टी CM डॉक्टर हनुमान सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर स्थिति में निपटने के लिए पूरी तैयारी है। फिलहाल फतेहाबाद में एक भी मामला कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया। पलवल फतेहाबाद से राजेश भाबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में कोरोना पॉजिटिव का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है, जो कि राहत भरी खबर है। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके द्वारा अभी तक कुल 11 लोगों के सैंपल रोहतक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, जिन सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी की बात कही गई है। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि फतेहाबाद के लिए राहत भरी खबर है और अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया। इसे निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड भी निर्धारित किए गए हैं। वहीं शहर की धर्मशालाओं को चिन्हित किया गया है, जो कि इमरजेंसी के समय में आइसोलेशन वार्ड के रूप में काम करेगी। अब देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला तो यही है, जो हमने आइसोलेशन वार्ड में जो भी लोग जिन लोगों का हमने भर्ती किए थे उनके सभी के सैंपल भेजे थे, वो सभी के सभी नेगेटिव आए हैं, तो जो कि हमारे जिले के लिए अच्छी चीज़ है कि कोई भी अभी तक हमारे जिले के अंदर कोई भी मरीज अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। और हमने पूरी तरह से तैयारी की हुई है, अगर कोई क्राइसिस आती है तो हमने आइसोलेशन वार्ड और हमने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेड्स तैयार कर दिए हैं, और स्पेशल पॉजिटिव मरीजों के लिए भी हमने वार्ड वगैरह बना दिए हैं, आइसोलेशन वार्ड अलग से। तो हमारे ज़िले के अंदर पूरी तैयारियां हैं, अगर कोई फिर भी क्राइसिस आती है तो हमने धर्मशालाएं वगैरह भी हमने ली हैं उन क्वारंटाइन के लिए, कि जो लोग कॉन्टैक्ट के पॉजिटिव आए हैं, कोई लक्षण नहीं है, उनको हम क्वारंटाइन भी करेंगे। तो हमारे ज़िले में पूरी तैयारी है। तो